मेरे ठीक पीछे खड़ा एक अबैंडन्ड प्लेन और मैं उसमें सरवाइव करने वाला हूँ पूरे 24 घंटे। लेकिन आगे आने वाले प्रॉब्लम्स का हमें जरा भी अंदाजा नहीं था। उल्टा है क्या? ओ भाई कुछ तो है इसमें। तो गाइस ये है पूरा वो प्लेन जिसमें मैं 24 आवर सर्वाइविंग करने वाला हूँ। और भाई ये बहुत ही बड़ा है, मैंने सोचा नहीं था इतना बड़ा होगा ये प्लेन। और भाई ये है था इसका इंजन, यहाँ पे इंजन था, उन लोगों ने बेच दिया। लेकिन भाई सच में बहुत बड़ा होता है इंजन भाई, मैं तो पूरा मेरे जैसे कितने रहेंगे इसके अंदर, 10-12 तो आराम से रहेंगे, इतना बड़ा इंजन है। और ये यहाँ पे कुछ तो टूटा फूटा पड़ा है, यहाँ पे कुछ तो रहेगा, क्या रहेगा यहाँ पे? यहाँ पे मुझे तो लगता है इसका पेट्रोल रहेगा। पेट्रोल रहता है ना प्लेन में? हाँ रहता है भाई, रहता है, डीजल रहता है। तो ये है पूरा प्लेन और भाई कितना बड़ा है ये। तो अभी चलते हैं हम प्लेन के अंदर और अभी से हमारा 24 आवर सर्वाइविंग चैलेंज शुरू होने वाला है। तो मुझे लगा था कि इस प्लेन की साइज एकदम एवरेज होगी, लेकिन मैंने सोचा था उससे ज्यादा ये बड़ा है। और भाई बहुत ही, भाई कितनी गर्मी है इधर। और ये है प्लेन का कॉकपिट। मेरा तो बचपन से सपना था कि पायलट बनना है, पहले मुझे पायलट बनना था, फिर इंजीनियर बनना था और अभी यूट्यूबर बन गया हूँ। तो ये सीट इतना ऊपर की हो मेरे हाइट की वजह से, लगता है इन लोग को पता था मेरी हाइट कम है। वे कैसे उड़ा देगा चीज़ें, मैं पायलट बन गया ना कभी, 9/11 कर दूंगा मैं। क्या था भाई, मेरे को नहीं बैठता है, मैं निकल रहा हूँ भाई। ये टर्न क्यों नहीं हो रहा है? तो गाइस अभी मैं प्लेन उड़ाने वाला हूँ, ठीक है? कैसे उड़ाते पता नहीं मुझे, इसका एक्सीलेटर किधर है? एक काम कर, तू प्लेन उड़ा, मैं प्लेन लैंड करता हूँ। हाँ ठीक है, दो बिल्डिंग के बीच में इसे घुसना चाहिए। फ्लिप मारने के, 1, 2, 3 and flap. अरे flap open हो, flap. इसकी मार के दे। ए घूम नहीं रहा है, steering lock है इसका, चाबी लगा। Handle lock है, handle lock. 1, 2, कुछ ऐसे button. Okay, समझ गया मुझे. अभी मैं plane उड़ा सकता हूँ एकदम आराम से। चल. ऐसा करने के बाद वो take off होता है ऐसा, खींचने के बाद। हाँ. अगर किसी को चीखा ही ऐसा, चीखा ही. और क्या ये गियर है उसका? गियर नहीं रे, स्पीड ब्रेक है वो। स्पीड ब्रेक। अगर कभी पायलट बनता ना, बचपन का सपना था मेरा, अगर मैं बनता ना तो भाई पहले ही टेक ऑफ में मैं अपना कर देता भाई काम। गाइस यहाँ पे बहुत गर्मी है और मुझे नहीं पता कि मैं 24 आवर्स कैसे सर्वाइव करूंगा यहाँ पे भाई। यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे है बिजनेस क्लास और ये यहाँ पे सामने जाके ये क्या बोलते हैं इसको, क्या इकोनॉमी क्लास, क्योंकि मैं बिजनेस में ही बैठता हूँ तो इसका तो मुझे कुछ पता नहीं। और अभी हम लोग सर्वाइव करने वाले इस प्लेन में 24 घंटे। तो इस प्लेन के अंदर सबसे बड़ी यही प्रॉब्लम है कि इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल भी नहीं है। तो हमें यहाँ पे 24 घंटे सर्वाइव करना है और पता नहीं हम लोग कैसे करेंगे। अभी से मैं पूरा पसीना पसीना हो गया हूँ। तो गाइज ये है पूरा प्लेन और ये सीट सो क्यों रही रे इधर उज्जा। और ये है इसमें, ये क्या है, पुश खुलता है क्या? ओ भाई कुछ तो है इसमें, क्या है ये तो YouTube की तरफ से है कुछ, खोल के देखते हैं इसको क्या है इसमें। तो गाइज अभी हम इसे खोलते हैं और इसके अंदर ये निकला है मेरा YouTube का सिल्वर प्ले बटन। ये रहा गाइज मेरा सिल्वर प्ले बटन। हाँ तो बहुत गर्मी है गाइज, मैं थोड़ी देर बैठ जाता हूँ यहाँ पे, थक गया मैं बहुत। अरे ओए ओ भाई ये तो सर्कस है। तो गाइज मैं अभी प्लेन में बैठ के वड़ा पाव खा रहा हूँ, वो भी बिजनेस क्लास में। और वड़ा पाव तो भाई अपनी जान है। और प्लेन में शायद ही किसी ने वड़ा पाव खाया होगा, पता नहीं मिलता होगा नहीं मिलता होगा, मैं तो बिजनेस क्लास में बैठता हूँ यहाँ तो भाई ये सब नहीं मिलता, लेकिन मैं लेके आया हूँ। बहुत ज़बरदस्त है, क्या लगता है अपनी बात कोई कर पाएगा? नहीं कोई कर ही नहीं सकता ये। क्या लगता है वो ऐसा ऐसा वाला कर सकता है? नहीं वो वाला वो तो नहीं कर सकता, वो उससे तो होगा ही नहीं, वो तो सीधा लग जाएगा ऊपर ऐसे अटक जाएगा वो। तुझे क्या लगता है वो कचरे वाला कर पाएगा, वो जो कचरे में रहते हैं दिन भर? वो कर सकता है वो। क्या हो गया अंदर? भाई अबे पागल है क्या तू? भाई पागल है क्या भाई, करा दिया यार इसने तो भाई, हाथ मुंह में आ गया था मेरे भाई, लेजिट बाहर निकल जाता पूरा सीधा, लेजिट रात भी होने के आई है। तो गाइज अभी शाम के कुछ 6 बज चुके हैं और देख सकते हैं आप लोग, टाइम हो चुका है और मैं जा रहा हूँ भाई सोने के लिए।
पूरी सोने का है भाई, मुझे कैसे भी करके निकलना है इस ट्रेन से बाहर जल्दी 24 घंटे सर्वाइव करके। तो गाइस अभी शाम के 6:30-7 बजने को आए हैं और मैं अभी सोने वाला हूँ क्योंकि बहुत गर्मी होने वाली है। सच में मुझे, मैं निकाल ही नहीं सकता ये पूरी रात, मुझे कैसे भी करके निकालनी है पूरी रात, इसमें सर्वाइव करना है, मुझे ये चैलेंज बिल्कुल भी हारना नहीं है। मैं सो रहा हूँ भाई अभी आराम से, बस मैं कैसे सो, मैं ऐसे ऐसे सो रहता हूँ। अरे ये ऊपर भी होता है, हाँ मैं सो रहा हूँ गाइस, गुड नाइट। तो सबसे पहले मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि इस प्लेन में ना ही कोई इलेक्ट्रिसिटी है ना कोई पंखा, लेकिन जैसे तैसे करके हमने इस प्लेन में रात गुजारी है। तो गाइस सुबह हो चुकी है, अभी सुबह के कितने बजे भाई, टाइम भी देखा नहीं जा रहा भाई मुझसे। मैं इतना मतलब गर्मी हो रही थी ना, मैं सो बिल्कुल भी नहीं पाया भाई सच्ची में। अभी चलते बाहर देखते हैं, अभी मुझे निकलना है भाई, 24 घंटे हो गए भाई, मुझे बाहर निकलना है कुछ भी करके अभी। तो गाइस अभी सुबह हो चुकी है और भाई दोपहर हो गई यार, मैं इतना सोया, अच्छा लग रहा है एकदम बाहर आके कि 24 घंटे हम लोग ने इसमें सरवाइव किया। और तो कितना टाइम हुआ, 12 बजे है गाइस, 12:30 बजे है अभी, और भाई अच्छा लग रहा है बाहर आके। मतलब हम लोग कल यही टाइम पे आए थे, हम लोग कितने 12 बजे आए थे, हम लोग 12 बजे आए थे और अभी हम लोग बाहर जा रहे हैं। ऊपर देख ले भाई समय के फोटो, तो अभी हम लोग निकल रहे हैं बाहर, आ जा। ओ भाई सच में इतना भाई, मेरे को अभी बाहर निकल के इतना अच्छा लग रहा है ना, 24 घंटे एक प्लेन के अंदर रहना भाई बहुत मुश्किल है, और ऊपर से उसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। गाइस फाइनली मैंने 24 आवर सर्वाइव कर लिया इस प्लेन में, और भाई ये बिल्कुल भी आसान नहीं था, मुझे लगा था कि ये बहुत आसान होगा एक प्लेन में ही तो सर्वाइव करना, 24 घंटे तो हम घर में भी रहते, लेकिन ये बहुत मुश्किल था। सबसे पहले तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, वो सबसे बहुत बड़ी टेंशन थी, लेकिन हमने इसमें सर्वाइव कर लिया है। तो इस वीडियो को एक लाइक तो कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना मेरी इस वीडियो के लिए, कर दो यार, इतना बहुत मेहनत लगी इसके लिए।